अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इरफान यूनस और आप देख रहे हैं JMS टेक्नोलॉजी। आज हम कोरल ड्रा के लेसन में कुछ सीखेंगे। इससे पहले मैं MS वर्ल्ड की वीडियो अपलोड कर चुका हूं और चूँकि असल काम मेरा ग्राफिक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही है, लेकिन कुछ वसाइल ना होने की वजह से मैं MS वर्ल्ड जैसी वीडियो जो है ना वो अपलोड कर रहा था। तो आज हम शुरू करेंगे पहला सबक और पहले हम एक टेक्स्ट इफेक्ट डालेंगे जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अपने चैनल का नाम ही है, मैं इस तरह का सेम टेक्स्ट इफेक्ट जो है मैं आपको परफेक्टली करके दिखाऊंगा, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा, बल्कि ख़ुद बनाएंगे आप। प्रैक्टिस किया करें, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो काम आसान हो जाता करने में। ये जो इफेक्ट है ये हम इंशाल्लाह ताला डालेंगे आज किसी भी इफेक्ट टेक्स्ट में। तो फ़ोन कोई भी हो वो यूज़ करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। और क्योंकि मैं वीडियो जो भी अपलोड करूंगा उसमें आपका एक और फ़ायदा भी होगा कि बाद अवकात मैं CDR फाइल जो आपको देना पसंद करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपके कमेंट हों, आप मुझसे कमेंट में रابطہ करें, मुझसे बातचीत करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं फिर ये शुरू करूंगा इस सिलसिला कि कोई भी चीज़ अगर आपको डिज़ाइन के तौर पे बनाई जाए और वो मैं CDR फाइल का लिंक आपको दे दूं, प्रोवाइड करूं, ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा CDR फाइल का ज़खीरा हो जाए। तो चलो बातें तो बहुत हो गई हैं, अब काम शुरू करते हैं जिससे आप हमारे काम में कोई छोटा सा इफेक्ट है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, सिंपल है, हम सिंपल काम से ही शुरुआत करेंगे। तो इसलिए आज मैं ये सिंपल सा काम है मैं देख रहा हूँ। जिन भाइयों को पता है वो तो ठीक है, वो उसके लिए भी ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते वो तो खासतौर इस वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें जिससे आपको पता है। तो मैं इसको डिलीट करूँगा, ख़त्म करूँगा और बाद में हम इंशाल्लाह ताला इसको डालेंगे। अब मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट टूल में जाएं, क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर लें किसी भी जगह पे, तो आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि यही टेक्स्ट जो है ना मैं लिखूँ JMS। अब इसमें फ़ॉन्ट बहुत अमल दखल देने वाला चीज़ है, फ़ॉन्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमल दखल देता है। ये देखें कोई भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर लें, खुसूसन मैं यहाँ पे रख के तरह फ़ॉन्ट एक बार चूज़ करूँगा जो कि बेहतर लगे। ये अच्छा है फ़ॉन्ट है, ज़रा स्पेस थोड़ी सी कम है, ये तो नहीं। एरियल ब्लैक जो है वो मैं यूज़ करूँ तो वो ज़्यादा सिंपल है। तो अगर इसमें वो ये बोल्ड नहीं तो एरियल ब्लैक तो ये है ना, ये टैलिक आ जाता है, टैलिक तो चाहिए नहीं ना। तो हम इसमें और फ़ॉन्ट देख लेते हैं, एक ये फ़ॉन्ट है बहुत प्यारा फ़ॉन्ट है, इसमें भी ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो कोशिश करेंगे कि जो ना सिंपल भी हो और ज़रा मोटा भी हो तो उसको ही यूज़ किया जाए ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। एक फ़ॉन्ट है मेरी नज़र में जैसा कि इम्पैक्ट, ये जो है अच्छा फ़ॉन्ट है, एक ये भी है, लेकिन ये हमें तंग करेगा बाद में, तो ये हमारे लिए सही रहेगा। इसमें भी स्पेस बहुत कम होती है, चलो हम इसको वैसे भी स्पेस तो कर सकते हैं हम लफ्ज़ों में, तो थोड़ी सी स्पेस बढ़ा ही लें लफ्ज़ों की तो बेस्ट होगा।
ये टूल जो होता है हमारे पास इस तरह का, ये देखें, ये अगर आप कंट्रोल के बगैर इसको खींचेंगे तो ये हर एक हरफ में स्पेस बढ़ा रहा है। कंट्रोल के साथ बढ़ाएंगे तो ये दरमियानी फासला जो होता है ना शिफ्ट के साथ पकड़ने से, ये दरमियानी फासला, यानी हर लफ्ज़ को हर वर्ड्स को ये दरमियानी फासला बढ़ाएगा इस तरह, ये ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे ही महफूज कर लेंगे। ये हमारे पास तकरीबन एक फॉन्ट आ गया जिसको हमने डिज़ाइन करना है। इसकी एक और कॉपी ले लें, माउस से भी ले सकते हैं आप, और प्लस के बटन को जो है ना प्रेस कर लें तो तब भी ये ले सकते हैं। इसका अब साइज कम ज़्यादा नहीं करना, इसको एक साइड पर रख दें, ठीक है। अब इसको इसके ये जो होता है ना मिरर वर्टिकल जी मिरर जो है इसको एक बार प्रेस करें और ये हमारे पास इस तरह की शेप है। अब बिट मैप में कन्वर्ट कर दें इसको, 3 dpi में ही हम कन्वर्ट करेंगे ताकि अच्छा कन्वर्ट हो सके। और अब इसको बिट मैप का एक इफेक्ट देंगे जो कि यहाँ पे शायद बिटमैप का इफेक्ट कहाँ पे है जी, डिस्टॉर्ट में जाएं और ये हमारे पास रहा इफेक्ट वेट पेंट, वेट पेंट का इफेक्ट है। अब ये चूंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बना रहा था इसको पहले, तो ये पहले से सेट है 100, ये 100 और ये 50, इससे कम नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी कम करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखें इसमें बहुत सारी कम, थोड़ा सा भी आप नहीं करेंगे इसको, इसको 50 पे ही रहना चाहिए और इसको 100 पे ही रहना चाहिए, यानी 50 और 100 का कंपटीशन देके ये परसेंट 100 होनी चाहिए और वेटनेस जो है वो 50 होनी चाहिए। और इसको ओके कर दें और अब इसको आप ट्रेसिंग फोन के साथ कर लें। अच्छी जो फॉन्ट है वो लाइन आर्ट में होती है ट्रेसिंग, अगर आप और करेंगे तो उसकी परेशानी बनेगी। मैं टाइम जो कि बचाना चाहता हूँ, वरना आपको मैं बता तो दूँ कि कितना फ़र्क होता है इस तरह की ये जो करने में, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास हो गया। इसमें कुछ अगर रह भी जाएगा तो वो हम बाद में कर लेंगे, जैसे ये स्पेस फेज रह रहा है ना वो कर लेते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद डिटेल जो है इसकी सारी ले लेते हैं इस तरह, और ये आपको इजीली, हाँ ये सही हो गया। अब मुकम्मल डिटेल हमारे पास आ गई है, और अगर आप कॉर्नर भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं यहाँ से, इससे मज़ीद डिटेलिंग जो है ना हमारे पास इसकी बढ़ के आएगी। ये स्मूथिंग जो है ना बहुत ज़्यादा जो हो जाती है बेहतरीन हो जाती है, ये देखें, ठीक है। इस तरह नहीं तो इसको यहाँ पे रहने दें, ये बेस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ओके कर दें। अब ये हमारे पास एक जो पहले हमने बिटमैप किया था इसको तो अब आप डिलीट करें, ये जो है, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया असल फॉन्ट। फिर अब हम इसको मिरर करेंगे एक बार फिर, वर्टिकल मिरर जो है उसको कर लें। इसको एक बार हम चेक ज़रूर करते हैं कि इसके अंदर कुछ रह तो नहीं गया, तो उसको चेक करने के लिए आप एक बॉक्स बनाएं पहले इसके ऊपर, ताकि इसको कलर दिया जाए ना कोई, तो इसको बैक करें। अब देखें, नज़र आया ना आपको, ये जो चीज़ है ना, ये मैं बताना चाहता था कि अब इसको ट्रेसिंग की तो इसने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी,
पेज कलर तो पहले ही वाइट होता है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता। अब इसको हम मज़ीद अब करने वाले हैं, तो इसका बहुत इजीली हल है, इस परेशानी में कोई नहीं पड़ने वाली बात। अब इसको फॉन्ट को सिलेक्ट करें और एक बार अनग्रुप करें बस, यानी इससे नहीं, इससे सारा हो जाता है ना, तो एक बार बस करें और ये सफ़ेद को पकड़ के एक साइड पे करें और बल्कि डिलीट कर दें इसको। अब देखें आपके पास सारे के सारे साफ हो गया। अब फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे फॉन्ट को, ठीक है, तो ग्रुप कर दें इसको, आप डिलीट कर दें, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है जी। अब इसमें हमने कलर देना है, तो वो कलर बनाने के बजाय हम किसी इमेज का कलर जो है इसमें डाल लेंगे। सबसे बेस्ट जो चीज़ है इमेज का कलर डाल लेंगे, वो बेहतरीन हो जाएगा। बाकी आप पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं, सेटिंग करना ज़रूरी है पहले इसकी। ये जो समेट टूल होता है ना, ये हमें चाहिए। इसको ज़रा जूम कर लेते हैं, जूम करने से हमारा काम बहुत ईजीली हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हमें जूम करना जो है ना मुनासिब है। और हम इसको थोड़ी सी ऊपर से जगह दे रहे हैं, ये जो है चीज़ है। इस टूल को सिलेक्ट करते हुए ये अब देखो काम नहीं कर रहा। ये काम क्यों करेगा, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे इसको, हाँ अब इसको करो ना तो ये काम भी करेगा। देखो इसको लंबा करना है, खैन के जितना लंबा कर सकते हैं आप कर लें, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। हर लफ्ज़ के जो होते हैं ना, इस शाहों को जितना मर्जी लंबा करें, कोशिश करें कि आप इसको सीधा सीधा करें, जिस तरह के एक आग के शोले ऊपर उठते हैं, जिस तरह के वो इस तरह की हो ऐसे ही, ठीक है, तो ये ज़्यादा खूबसूरत, इससे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ना कि टेढ़े मेरे हों जैसे मर्जी हों। ऊपर से पकड़ें, नीचे से नालाए कराएं, ऊपर से ये शाहों को पकड़ें और तकरीबन ये ऐसे करके मिलाते जाएं, और आपको इसका मज़ा भी है काम करने, बड़े मज़े का इफेक्ट बनेगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपके लिए मज़ीद। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए आपके लिए कर रहा हूँ कि कम अज़ कम आपको माउस चलाने का और भी तरीक़ेकार का सारा ईजीली पता चल सके। ये देखें, ये यहाँ तक की महदूद नहीं है। अगर मैं चाहूँ इसको पूरे पेज तक लंबा करना तो कर सकता हूँ इस टूल की मदद से। तो आप जिस तरह का आपको प्यारा लगेगा उतना बना लेना। मैं आपको एक तकनीक बताने वाला था, वो बंदे ने बता दी, और इस तरह का आपने इफेक्ट अभी तक कोरल ड्रा में मेरे नज़र में तो नहीं आया किसी ने बनाया। पहली बार मैं ये इफेक्ट जो है फायर इफेक्ट फोटोशॉप में एक दो दफ़ा मैंने बनाया, देखा है उसमें, वो तो बहुत ईजी है, उसमें तो ये काम होते हैं, लेकिन फोटोशॉप का काम अगर कोरल ड्रा में किया जाए तो क्या ही बात है। तो ये कोरल ड्रा में फोटोशॉप काम ले रहे हैं हम, तो कितना प्यारा इफेक्ट बनेगा ज़रा देखते हैं आज। कि दोस्तों सब चीज़ें देखने से ही नहीं होती, प्रैक्टिस करने से ही होती है, इनका तलब प्रैक्टिस से होता है। अब इसको हम आगे वाले जो दफ़द हैं इनको भी जूम करेंगे पहले, तो हम इनको भी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़े से स्पेस दें। यहाँ तक तो हमने किया था, तो आगे का जो है दोबारा कर रहे हैं। देखिए पहले थोड़े थोड़े होते थे, छोटे छोटे थे ये, तो ऐसे लगता था कि इतने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। इसको जितना जी चाहे लंबा कर लें, लेकिन आप जितना आपके समझें कि टैक्स के हिसाब से जितनी आपने रखी हुई है मोटाई टैक्स की, उस हिसाब से आप लंबा कर लें तो बेहतर है। अगर आप नीचे से खींचेंगे तो
तो ये यहाँ से ले आएगा जो है ना इफेक्ट निकाल के लाएगा नीचे से वो गाढ़े वाला, तो वो असल में अच्छा नहीं लगेगा। मेरा ख्याल है कि हम इसमें काफ़ी हो गया, तो अब हम इसमें कलर करते हैं। इसके एक बार यहाँ बने हैं, मैं यहाँ से कुछ तस्वीर पिक्चर जो है इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पिक्चर इम्पोर्ट करने के लिए मेरे पास पड़ी तो थी पिक्चर, ये तो पड़ी हुई है। ये दोनों पिक्चर जो है मैं अपने पास ले जाता हूँ। ठीक है, ये जो पिक्चर है ना, इसको मैं इसमें ना पुट करूंगा, पावर क्लिप कर देते हैं। ठीक है, एडिट करेंगे हम इसको तो मज़ीद इसमें जो भी ना बेहतरी आएगी इसमें पता चल जाएगा। ये एडिट के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये ही एडिट बटन है, इसमें इस तस्वीर को बड़ा करें जितनी आपकी पिक्चर है ना, जितना आपका टेक्स्ट है उतना इसको बड़ा करें, बुला लें। ठीक है, अब अगर हम इसका कलर बना लें तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाना था, लेकिन ये इफेक्ट जो है ना बहुत ही प्यारा मुझे लगा था। अगर इसके बाद भी आपको मज़ीद ये शाहें ऊपर करनी पड़ी, ऊंची करनी पड़ी, तो आप कर लेना। ये मैं ऊपर तस्वीर इसीलिए रख रहा हूँ कि आपको पता चल जाए, अगर मैं यहाँ से काट देता या छोटी कर देता तो तब भी ये चल तो जाना था, लेकिन ये मज़े नहीं देने थे इसने। ये अब देखो ये कितनी प्यारी इफेक्ट बन गई। अभी आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, इसमें बहुत सारी खराबियाँ हैं, बहुत सारी खराबियाँ हैं। ये देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको कलर नज़र आ रहा है ब्लैक ब्लैक पीछे पीछे, ये नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो जो पहला था वो साफ हो जाएगा। ये क्या बात, समझ आ गई है, ठीक है ना। अब इसमें मज़ीद ये देखें, ये फ्लो जो नज़र आ रहा था, मैं अभी इसमें थोड़ा सा और भी चेंजिंग करते हैं। ये देखें, थोड़ी थोड़ी ना इस इनको ऐसे बाहर निकालते हैं, जैसे आके ना होते नहीं है कि भाई मोमबत्ती के जैसे पिघले हुए ऐसे शो हों ये नज़र आए, ये क्या प्यारे लगेंगे ना। अब ठीक है, सही है। इसको इसलिए कह रहा था कि इसका साइज वगैरह नहीं आपने चेंज करना, इसमें मैं दूसरी पिक्चर वाला इफेक्ट डाल के तो इसके ऊपर रख दूंगा, जिससे आपको मज़ीद जो है कोई, जैसे कि ये पिक्चर है हमारे पास, ठीक है ना, इसमें इस ये इफेक्ट जो है इसमें डाल देते हैं। ठीक है, पहले अगर पिक्चर का साइज पूरा कर लें तो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये बाद में भी करना पड़ जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये पीला पीला है ना, तो इसमें सुरख जो है ना ज़्यादा हो, तो आपको ये मज़ा देगा बहुत ज़्यादा। ये
समझ लें कि आप ने बेहतरीन एक इफेक्ट जो है तैयार किया, बहुत काम आने वाली चीज़ें। मैं बताता हूँ अभी अभी आपको कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग इसको। तो अब हम इसको पावर क्लिक करते हैं, ये देखें हमारे पास पावर क्लिक ये ऑप्शन है, ठीक है, इन प्लेस इसमें, ठीक है, एडिट करके तो इसको मुकम्मल कर लें। क्यों भाई एडिट क्यों नहीं हो रहा है? एडिट क्यों नहीं हो रहा? ये देखो हमने इसको पावर क्लिक किया था तो एडिट क्यों नहीं होगा? होगा, ये जो है ना मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इस वजह से थोड़ी सी कभी कभी ये प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, ये हमने इफेक्ट जो है इसमें डालना था। ये सुरख कोशिश करेंगे सुरख सुरख जो है ना इसमें इफेक्ट आ जाए, सुरख सुरख पीला उसमें भी आता, इसमें सुरख सुरख हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर नहीं तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इसको मज़ीद थोड़ा सा फैला लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये इफ़ेक्ट जो हमारे पास आएगा तो एक बेहतरीन इफ़ेक्ट होगा। हम इसको ऊपर करेंगे तो देखें इसकी ये जो ऊपर बेहतरीन, अभी इसमें भी एक बार आपको ये वो डील करना होगा ब्लैक कलर, ये देखें निखर के सामने आएगा ये। अब इसको एरो की मदद से आप सेट करेंगे, जो कि बिल्कुल ऊपर हो, ठीक है। अब मैं इसमें एक शैडो डालता हूँ ऊपर के जो मैंने सेट किया था, इसमें शेडो डाल दें, बेहतरीन एक इफेक्ट शेडो का भी होगा, ठीक है। अब ये मल्टीपल है ना, इसको आप डिवाइड करते हैं, ये देखें क्या बात है, और ये बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये इफेक्ट हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब आप अगर इसकी शैडो थोड़ी सी कम करें तो ये आपको मज़ीद थोड़ा सा कम नज़र आएगा शैडो, ये देखें इफेक्ट थोड़ा सा गैप नज़र आया आपको, लेकिन नहीं इतना काफ़ी है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके सारे के सारे इसने ना कवर कर दिया। और अब इसमें एक और काम करते हैं, जो कि ये वाज़े नज़र आए तो क्यों ना हम इसको ब्लैक कलर दे दें एक पीछे। वाह, तो अब ये देखा वो जो मैंने बनाया था वो और फ़ॉन्ट था, ये और फ़ॉन्ट है,
और आपको वाजली क्लियरली नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में मुझसे रब्ता करें। कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ये हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।